subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे कॉपर का एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में कॉपर बंद हुआ है 655.85, लगभग 10 रुपये ऊपर 1.5% गेन के साथ। और अगर हम मंथली चार्ट पे देखोगे तो इस महीने के लिए हम ट्रेड कर रहे हैं फ्लैट नेगेटिव, लगभग 1.5 रुपये लॉस के साथ। लास्ट मंथ हमने लगभग 5.5% का लॉस देखा था। निचले लेवल से अच्छा खासा रिकवरी भी देखा था कॉपर में। उससे पहले हमने जो लगभग 10.5% की प्रॉफिट बुकिंग देखी थी। तो यहाँ जो है तो S1 के अराउंड सपोर्ट लेने के बाद कॉपर जो है तो बाउंस बैक कर रहा है। और ये जो बाउंस बैक है ये ऊपर की तरफ लगभग 725 के लेवल की तरफ जा सकता है। डाउन साइड पे 630 एज अ सपोर्ट रहेगा। अगर उसके नीचे जाता है तो आपको फिर उसके बाद में कॉपर जो है तो बहुत निचले लेवल भी दिखा सकता है एज पर मंथली चार्ट। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे आप देखोगे एक परफेक्ट आपको जो है तो 200 वीक का जो एवरेज है वहाँ सपोर्ट लेने के बाद प्राइसेस बाउंस बैक कर रही है। और ये बाउंस बैक जो है तो आपको लगभग 740 से लेकर 700 के लेवल की तरफ लेकर जा सकता है कॉपर प्राइसेस को। यहाँ जो है तो ऑन डाउन साइड आपको जो है तो 630 का एक सपोर्ट जोन है, उसके अराउंड आता है तो एक स्टॉप लॉस के साथ एक मीडियम टर्म लॉन्ग पोजिशन ले सकते हो आप कॉपर में। और यहाँ जो उसके टारगेट रहेंगे वो 700 से लेकर 750 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हो इन मीडियम टर्म। और इस वीक जो है तो फ्लैट नेगेटिव क्लोजिंग दी है लगभग 1.5 रुपये लॉस के साथ। पिछले हफ्ते हमने 4% की रैली देखी थी कॉपर में, और उससे पहले जो है तो लगभग 2.5% की रैली। तो यह एक क्लासिकल पैटर्न है जो 200 वीक का जो एवरेज है वह सपोर्ट लेने के बाद प्राइजेज जो है तो बाउंस बैक कर रही है। और यहाँ जैसे प्राइस ऊपर जाएगी यहाँ आपको जो है तो शॉर्ट कवरिंग भी आती हुई दिखेगी मार्केट में। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देखते हो तो यहाँ जो है तो लास्ट ट्रेडिंग सेशन में हमने लगभग 1.5% के गेन देखे, लगभग 10 रुपये के गेन के साथ कॉपर बंद हुआ है। उससे पहले भी जो है तो गुरुवार के दिन हमने लगभग 4 से 5 रुपये की रैली देखी थी कॉपर प्राइस में। और अभी जो है तो हम पिवट के ऊपर ट्रेड कर रहे हैं। डेली चार्ट पे जो सपोर्ट जोन दिख रहा है मुझे वो है 635 से लेकर 640। तो ये जोन में जब अगर कॉपर प्राइस आते हैं तो आपको बाइंग की सोचनी चाहिए। आपका जो स्टॉप लॉस है वो 630 के नीचे रहेगा। ऊपर जो टारगेट बनते हैं वो 660 का टारगेट जो ऑलरेडी अचीव हो चुका है। अभी इसके बाद में जो है तो 685 का टारगेट आपको देखने को मिलेगा कॉपर में। और हो सकता है कि आपको एक शॉर्ट टू मीडियम टर्म में कॉपर जो है तो 730 के लेवल की तरफ धीरे धीरे बढ़ेगा। यहाँ जो है तो अभी फिलहाल के लिए डिप्स जो आएंगे वो बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी। आपको डिप्स जो है तो उसको बॉट करना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। जो पहला टारगेट रहेगा वो 660 का रहेगा, उसके ऊपर ब्रेकआउट आता है तो आपको 685, उसके बाद में 700 और 740 के भी टारगेट जो है तो कॉपर इस सीरीज में दिखाई दे सकता है। तो यहाँ आपको बाय ऑन डिप्स स्ट्रैटेजी रखनी है कॉपर में। जो निचले तरफ सपोर्ट है वो 635-640, स्टॉप लॉस बिलो 630, टारगेट 660, उसके बाद में 685 और 700 के सेफ टारगेट है। उसके बाद में जो है तो मैक्सिमम आपको 730 से लेकर 740 की भी टारगेट कॉपर आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। तो यहाँ बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी रहेगी एज पर शॉर्ट टर्म चार्ट। तो हमने डेली चार्ट देखा, यह बाइंग की अपॉर्चुनिटी है। वीकली चार्ट पे क्लासिकल पैटर्न है, 200 वीक का जो एवरेज हुआ सपोर्ट लेने के बाद बाउंस बैक कर रहा है। ये बाउंस बैक आपको 700 से 740 के लेवल की तरफ लेकर जा सकता है। और मंथली चार्ट पे भी जो है तो यहाँ नीचे के लेवल पे जो सेलिंग है वो रिजेक्ट हो रही है। तो यहाँ क्लियर कट रिकवरी के या फिर बाउंस बैक के साइन है। यहाँ जो करेक्शन है वो आगे चल के कंटिन्यू हो सकता है, मगर एक बाउंस बैक आ सकता है या फिर एक शॉर्ट कवरिंग रैली कह लीजिए जो इसको 700 से 750 के लेवल की तरफ लेकर जा सकती है। तो हमने मंथली, वीकली और डेली चार्ट सब पे कॉपर देख लिया। और आई होप सो कि ये जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोज़ पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको श्योर शॉट कमोडिटी कॉल चाहिए विद लाइव मार्केट सपोर्ट और फॉलोअप तो आप जो है तो मेरी पेड सर्विस ज्वाइन कर सकते हैं। उसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।